केंद्र सरकार ने आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। आखिर क्या था 1966 का वो फैसला जिसे 58 साल बाद सरकार ने हटा दिया और अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सतेंद्र शर्मा। दिन 7 नवंबर 1966 का वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश दिल्ली में हुए गौरक्षा आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद आया था जिसमें कई संत और गौ भक्त मारे गए थे। इस हिंसा के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोकना था जिससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और समर्पण बनाए रखा जा सके। तत्कालीन सरकार का कहना था कि यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक संगठन की गतिविधियों से दूर रहें और सरकारी प्रशासन में निष्पक्षता और स्वच्छता बनी रहे। आपको बता दें कि 1966 में 7 नवंबर को संसद के घेराव का मुख्य कारण गौरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी। इस आंदोलन का आयोजन सर्वदलीय गौरक्षा महासमिति द्वारा किया गया था जिसमें कई हिंदू संगठन और साधु संत शामिल थे। इस आंदोलन में करीब 1,25,000 लोग शामिल हुए थे जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क उठी जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया। इस घटना में 1 पुलिसकर्मी और 7 आंदोलनकारी मारे गए थे। इसके चलते तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यह विरोध प्रदर्शन के एन गोविंदाचार्य के गौरक्षा आंदोलन समेत उत्तर भारत के कई हिंदुत्व और गौरक्षा समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन को विश्व हिंदू परिषद ने भी समर्थन दिया था। वहीं अब मोदी सरकार के इस फैसले से देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार से आदेश वापस लेने के लिए कहा है। रविवार को कांग्रेस ने पिछले सप्ताह जारी एक कथित सरकारी आदेश का हवाला दिया और दावा किया कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 9 जुलाई का नोट शेयर किया। जयराम रमेश ने कहा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया था। आधिकारिक आदेश है कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकते हैं। कांग्रेस नेता ने 30 नवंबर 1966 के मूल आदेश का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस और जमात इस्लामी के कार्यक्रमों से जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा, 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने लिखा, 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। यह सरकारी दफ्तरों में लोक सेवकों के निष्पक्ष और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। सरकार संभवतः ऐसे कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उसके संविधान में फेरबदल करने की
कुलचित ममता को चुनाव में परास्त कर दिया। चुनाव जीतकर संविधान नहीं बदल पा रहे हैं तो अब पिछले दरवाजे सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामा व आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया था। विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी साल 1966 से 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रही। उसके बाद वे 1980 से लेकर 1984 में राजनीतिक हत्या तक देश की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा को सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक परमाणु ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय और अतिरिक्त प्रभार संभाला। इंदिरा ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से योजना आयोग की अध्यक्ष रही। सरकार के इस फैसले पर अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।